स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टू, आज आपके साइंस के वर्किंग में यूनिट नंबर टू हेल्थ एंड सेफ्टी के सब्जेक्टिव टाइप है। सब्जेक्टिव टाइप में आपके टू क्वेश्चंस और उनके आंसर है। लेट्स स्टार्ट। रीड, व्हाट डू आवर मसल्स नीड इन ऑर्डर टू वर्क। हमारे मसल्स को किस चीज़ की ज़रूरत होती है काम करने के लिए। द आंसर इज आवर मसल्स नीड फूड एंड एक्सरसाइज टू वर्क। हमारे मसल्स को ग़िज़ा और एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, वर्जिश की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन टू, वाई शुड वी नॉट टीज एनिमल्स। हमें एनिमल्स को टीज क्यों नहीं करना चाहिए, यानी उनको परेशान क्यों नहीं करना चाहिए, उनको तकलीफ क्यों नहीं देनी चाहिए। द आंसर इज इफ़ वी टीज एनिमल्स दे कैन स्क्रैच किक और बाइट अस। अगर हम एनिमल्स को टीज करेंगे तो वो हमें स्क्रैच कर सकते हैं, हमें किक कर सकते हैं और हमें काट भी सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपके साइंस की वर्किंग में यूनिट नंबर थ्री प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स की कुछ रीडिंग भी है, वो हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग विद मी। प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स, प्लांट्स और उनके पौधे। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। प्लांट लिविंग थिंग होते हैं। इन ऑर्डर टू लिव, जिंदा रहने के लिए प्लांट्स नीड गुड सोइल, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स को अच्छी मिट्टी, पानी और सनलाइट की ज़रूरत होती है। गुड सोइल के साथ एयर भी है यहाँ पे, ठीक है। गुड सोइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्लांट्स दुनिया में हर जगह उगते हैं। इन ऑर्डर टू लिव, प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वेज। जिंदा रहने के लिए प्लांट मुख्तलिफ तरीक़ों से उगते हैं। प्लांट्स ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। प्लांट्स हर तरह की शेप्स और साइजेस में होते हैं। सम ग्रो इन द सोइल ऑन लैंड, कुछ ज़मीन पे मिट्टी में उगते हैं। एंड अदर ग्रो इन वाटर, और कुछ पानी में भी उगते हैं, ठीक है। पानी में भी कुछ प्लांट होते हैं जो कि ग्रो करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के टाइप आपको बताने हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल वाइल सम आर वेरी बिग। कुछ प्लांट छोटे होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं। शॉब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद वेरी विद वुडी स्टेम। शॉब्स जो होते हैं वो छोटे प्लांट होते हैं, उनके वुडी स्टेम होते हैं, ठीक है। देखिए पिक्चर आपको दिखाई हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट है हर्ब्स। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स। हर्ब छोटे प्लांट होते हैं विद टेंडन टेंडर ग्रीन स्टेम। इनके ग्रीन टेंडर स्टेम होते हैं, यानी कि दबीज। दे आर ऑफन ऑर्मेटिक एरोमेटिक एंड द लीव्स कैन बी यूज टू फ्लेयर फूड्स। इनके जो होते हैं हर्ब्स जो होते हैं वो छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं। इनके टेंडर स्टेम होते हैं और ये अक्सर खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं फ्लेवर के तौर पे, ठीक है। जैसे पुदीना वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें, या धनिया हो गया, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट जो आपको टाइप बताने वो क्रीपर्स। क्रीपर्स आर प्लांट विद वीक स्टेम। क्रीपर जो होते हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम बहुत वीक होते हैं, यानी बेलें जो होती हैं ना। दे ग्रो अलॉन्ग और क्लोज टू द ग्राउंड। वो ज़मीन के इर्द गिर्द ही, यानी कि ज़मीन पर ही ग्रो करते हैं। जो अंगूर होते हैं ये भी बेल पे लगते हैं, और ये जो पम्पकिन होता है, वाटरमेलन होता है, मेलन होता है, ये भी बेलों पर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताने हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विच क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और सरफेसेस। क्लाइंबर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे प्लांट पे या दूसरी सरफेसेस पे चढ़ के ग्रो करते हैं, ठीक है। ये जो अंगूर की बेल है आपने देखा होगा अक्सर, ये दूसरे पौधों के इर्द गिर्द लिपटी हुई होती है, या किसी चीज़ के ऊपर या दीवार पर लिपटी होती है। ट्रीज आर द लार्जेस्ट प्लांट्स। दरख्त बड़े पौधे होते हैं, सबसे बड़े वाले होते हैं। दे यूजली हैव अ सिंगल वुडी स्टेम। अक्सर उनकी एक ही स्टेम होती है लकड़ी की, कॉल्ड द ट्रंक, जिसको हम ट्रंक कहते हैं। देखिए ये जो है ये इसकी वुडी स्टेम है, इसको ट्रंक कहते हैं। सम ट्रीज़ आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड। कुछ ट्रीज़ हज़ारों साल के होते हैं। ईच ईयर द ट्री ग्रो अ न्यू रिंग इनसाइड द ट्रंक। हर साल में जो ट्री का ट्रंक होता है इसमें नया एक रिंग ग्रो करता है। यू कैन टेल द एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग दीज रिंग्स। इन पे जो रिंग्स होते हैं उनको काउंट करके हम उस ट्री की एज बता सकते हैं, ठीक है। ये आपको एक तरीका बताया किसी भी ट्री की एज मालूम करने का। वी दो प्रोटेक्टिव आउटर लेयर दो प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ अ ट्री ऑफ वुडी शर्ब इज कॉल्ड बार्क। ये देखें ये बार्क है, ये नॉट है इसकी, और ये रिंग है। ये इसके अंदर ये ऐसे ऐसे रिंग्स जो हैं वो सर्कल के तौर पे बनते चले जाते हैं, ठीक है। द पेपर यूज टू मेक दिस
बुक केम फ्रॉम आर ट्री, जो हमारी किताब है ये, इसको बनाने के लिए भी जो मटेरियल हमें मिला है वो ट्री से ही मिला है। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड, पेपर लकड़ी से बनता है। वुड इज़ फाइनली चॉप्ड एंड मिक्स विद वाटर, वुड को फाइनली चॉप्ड किया जाता है अच्छे तरीके से, बहुत फाइन चॉप करते हैं और फिर उसको पानी के साथ मिक्स करते हैं टू मेक अ सॉफ्ट पल्प, उसका एक नरम गुदा बना देते हैं। द पल्प इज़ देन टर्न इन टू पेपर, और फिर उस पल्प को पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे आपको बता रहे हैं पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अ प्लांट हैज़ मैनी डिफरेंट पार्ट्स, वॉट डू दीज पार्ट डू। प्लांट के बहुत से पार्ट्स होते हैं, अब ये पार्ट क्या करते हैं, लेट अस फाइंड आउट। अब हम देखते हैं, फ्लावर है सबसे पहला जो इन्होंने बताया हमें। फ्लावर्स आर द पार्ट्स ऑफ सम प्लांट दैट बिकम फ्रूट्स और एंड सीड्स। फ्लावर जो होते हैं वो प्लांट का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि फ्रूट्स में या सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। दीज ग्रो इंटू न्यू प्लांट, और फिर ये नए प्लांट में चेंज हो जाते हैं। अब बता रहे हैं आपको लीव्स के बारे में। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, लीव्स जो होती हैं वो प्लांट के लिए फूड बनाती हैं। लीव्स आल्सो मेक अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन, ये गैस भी बनाती हैं जिसको ऑक्सीजन कहते हैं। वे ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू कीप अस अलाइव, और हम इस ऑक्सीजन में सांस लेते हैं हवा में, जो कि हमें ज़िंदा रखने में मदद देती है। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं स्टेम के बारे में। स्टेम क्या होता है? स्टेम जो होता है वो तना होता है, ठीक है। अब पौधे का तना क्या करता है, उसका क्या फंक्शन होता है पौधे में। स्टेम आर द स्टॉक्स दैट मूव वाटर एंड फूड थ्रो द प्लांट टू द लीव्स एंड फ्लावर। स्टेम आल्सो सपोर्ट द पार्ट ऑफ अ प्लांट, स्टेम जो है वो प्लांट के पार्ट को सपोर्ट भी करते हैं, और ये पानी और ग़िज़ा पूरे प्लांट में तक लेकर जाते हैं। नेक्स्ट है रूट्स के बारे में। रूट टेक इन वाटर फॉर द प्लांट, रूट जो होती है वो प्लांट के लिए पानी लेकर जाती है फ्रॉम द सॉयल, मिट्टी में से। रूट्स वर्क लाइक स्ट्रॉ टू सक अप वाटर, ये एक स्ट्रॉ की तरह काम करती है जो कि पानी को सक करता है। स्ट्रॉ से हम यही करते हैं ना कि हम कोल्ड ड्रिंक या जूस वगैरह सक करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड, ये प्लांट को ज़मीन में फर्मली मजबूती से रहने में, जकड़ा रहने में भी मदद देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी रीडिंग है। इसको आपने रीड करना है 2-3 times, और इसका सीवक आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है।